गाइस, सो मैंने ख़रीदा है ये न्यू हाइपर ड्राइव का यूएसबी सी हब। सो मेजर रीज़न इसको ख़रीदने का था बिकॉज़ मेरा जो पुराना वाला था, मैंने वो ख़रीदा था 1500 रुपीज़ का फ्रॉम फ्लिपकार्ट। एंड इसमें इश्यू ऐसा आ रहा था कि यूएसबी पोर्ट्स बहुत स्लो थे इसके। लाइक लिटरली मेरे एसएसडी पे, जो सैंडिस्क जो पोर्टेबल एसएसडी है, उस पर स्पीड्स आ रहे थे अराउंड 18 to 20 Mbps। सो मैंने सोचा कि लेट्स अपग्रेड, क्योंकि डिस्प्ले भी उसमें लो क्वालिटी आ रहा था थोड़ा। सो अपग्रेड किया एंड अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि लाइक कितना स्पीड मिलता है। अभी फ़िलहाल हमने ड्राइव सिलेक्ट किया है डायरेक्टली कनेक्टिंग टू यूएसबी पोर्ट। ये जो है ये एसएसडी का है। सो उसमें हम लोग पहले स्पीड देखेंगे कितना आ रहा है, देन हम जाएंगे डायरेक्टली कनेक्टिंग टू द हब। सो हब में एक प्रॉब्लम है, डायरेक्टली यूएसबी सी प्लग नहीं कर सकता क्योंकि उसमें बस पावर का ऑप्शन है। तो ये कर रहे हैं स्पीड टेस्ट स्टार्ट। ये डायरेक्टली यूएसबी सी प्लग में एसएसडी प्लग किया है। सो इसमें स्पीड्स अराउंड 590 to 590 के रेंज में आ रहे हैं रीड एंड राइट। सो अभी इसको स्टॉप करते हैं और चेक करते हैं कि यूएसबी हब के साथ कैसे आएगा। तो उसके लिए हम लोग ये एडाप्टर यूज़ करेंगे जो सैंडिस्क साथ में दे देता है, यूएसबी ए का पोर्ट का। इट्स 3.1, तो देखते हैं कितना स्पीड मिलता है। सो गाइस, हमने हब में अभी फ़िलहाल पावर कनेक्ट किया है, 1 TB SSD कनेक्ट किया है एंड डिस्प्ले भी कनेक्टेड है मॉनिटर। सो हम लोग विथ मॉनिटर पहले टेस्ट करेंगे कि कितना स्पीड्स दे रहा है। सो डायरेक्टली हमें 500 MB दे रहा है, तो देखते हैं ऐसे हब में कनेक्ट करके कितना स्पीड देगा। सो ये रहा अपना SSD और ये गया स्टार्ट। सो ऐसे अभी फ़िलहाल तो 299 राइट एंड अराउंड 300 दे रहा है रीड एंड राइट। सो देखते हैं, थोड़ा रुकते हैं और देखते हैं कितना बढ़ सकता है कि नहीं। सो बेसिकली मेरा वर्क फ्लो अराउंड 4K वीडियोज़ ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं होता। तो आई गेस अगर मैं डायरेक्टली हब में भी कनेक्ट करूँ तो भी गुड इनाफ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो H.265 के लिए हर एक ये रेजोल्यूशन सपोर्टेड है। H.264 का भी मोस्टली होना चाहिए बट बता नहीं सकते, अभी फ़िलहाल तो यहाँ पे इंडिकेटर नहीं है। सो एटलीस्ट गुड इनाफ स्पीड दे रहा है। लाइक नॉर्मली हमको दे रहा था 600 Mbps, हाफ दे रहा है, ये बेटर देन नथिंग। सो इट्स यूजेबल। अभी क्या करेंगे, डिस्प्ले का पोर्ट निकाल के देखेंगे और फिर कितना स्पीड देता है। सो गाइस, अभी मैंने डिस्प्ले पोर्ट भी निकाल दिया और पावर भी निकाल दिया, इसको डायरेक्टली रन कर रहा हूँ फ्रॉम द मैकबुक। ओके, सो देखते हैं अभी कितना स्पीड देता है। सेम रखेंगे टारगेट ड्राइव। आई गेस डिफरेंस नहीं आ रहा बिकॉज ऑफ लाइक डिस्प्ले पोर्ट निकालने से, स्पीड उतना ही है। सो ये था अपना हाइपर ड्राइव स्लैब 7-in-1 का रिव्यू। और अगर आपको लेना है तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेज़ॉन से आप ले सकते हैं। फिलहाल 26 जनवरी तक ऑफर चल रहा है इंडिपेंडेंट डे का, तो आई थिंक उस पर अराउंड नॉर्मल प्राइस से अभी 500 रुपीज़ डिस्काउंट है। सो अगर लेना है तो आप ले सकते हैं। अभी हमने इस यूएसबी सी हब में अपना बैकअप ड्राइव, जो कि लाइक हार्ड ड्राइव है, सो उसे प्लग किया है। तो देखते हैं उसके साथ हमें कितना स्पीड मिल रहा है, क्योंकि पिछले एडाप्टर में भी सेम सीन था, अराउंड 18 to 20 Mbps स्पीड मिल रहा था। तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे इसके साथ कितना स्पीड आ रहा है। तो ये 3.1 है शायद, सो उस हिसाब से एटलीस्ट 100 Mbps के ऊपर आ जाना चाहिए।
पास में मैंने जब टेस्ट किया था उतना नहीं आया, लाइक 18 to 20 Mbps आया है स्पीड, तो अभी देखते कितना आता है। ओके गुड इनफ है। तो ये एटलीस्ट पिछले बार से लाइक अराउंड 6 to 7 times ज़्यादा है, रीड स्पीड कम आ रहा है थोड़ा। ये हार्ड ड्राइव है, ये SSD नहीं है, सो दैट्स वाई स्पीड्स कम है, बट कंसिडरिंग अभी जो दे रहा है ऑन एवरेज, अपना काम तो चल जाएगा आराम से। लाइक एज यू कैन सी H.265 फाइल्स आराम से हो जाएंगी, प्रॉब्लम आएगा प्रोग्रेस और ब्लैक मैजिक रॉम है जो हम यूज़ नहीं करते, सो एनीवेज कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो ये था हमारा USB हब का रिव्यू विथ एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। सो गाइज कुछ इस तरह का हब है ये, USB-C पोर्ट है, एंड इस हब में 7 पोर्ट्स है। सो फर्स्ट वन इज़ HDMI, उसके बाद 2 है USB-A Type 5 Gbps ट्रांसफर स्पीड वाले, देन है ये USB-C। आई थिंक ये बस पावर डिलीवरी के लिए, यहाँ से आप USB यूज़ नहीं कर सकते। और ये है 2 SD कार्ड और माइक्रो SD कार्ड के लिए, एंड द लास्ट पोर्ट इज़ अपना RJ45 फॉर इंटरनेट। जैसा आपको पता है कि मैकबुक्स में ये इंटरनेट के लिए RJ45 पोर्ट नहीं आता, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ये इसका स्पीड इज़ अराउंड 1 Gbps, सो ऐसा कुछ है अपना। और इसमें थोड़ा सा मुझे लाइक जब पावर के साथ कनेक्टेड है हीट होता है, सो थोड़ा रिसर्च करूँगा और कि लाइक एक्चुअली में होना चाहिए हीट या नहीं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।